तथ्यां लाना छोड़ दें, यहाँ पर पहले भी मैंने कहा था करना चाहिए पटल। लेकिन सर Let me use the next few minutes to point out what the data, the statistics tell us as to who the actual Pappu really is. Said about where one should find Pappu, who's the Pappu, where's the Pappu and so on. Sir, we are for the country. Marches kiske haath mein kaise upyog mein aaya? Kaise upyog mein aaya? Wo hai prashn. Sir, 1962 mein जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, रेप हुआ, हमारे कार्यकर्ता के घर जला दिया। क्यों ये काम भी आपने मोदी जी के लिए छोड़ के रखा था कि मोदी जी आएंगे? जी और बीएसएनएल का मैसेज आ जाता है कि आपका डाटा खत्म हो गया। सर क्या रात को भूत उसे यूज करते हैं? जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। संसद में जो हुआ ये उसकी एक झलक भर थी। पूरी पिक्चर दिखाने के लिए शुरू हो गया है आपका पसंदीदा शो संसद में आज। तवांग को लेकर जिद पर क्यों उड़ा विपक्ष? महुआ मोइत्रा के पप्पू वाले बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसे पप्पू बता डाला? आपके फोन का डेटा भूत कैसे उड़ा रहे हैं और बीते 3 साल में कितने कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है? आज के शो में इन्हीं का देंगे जवाब। लेकिन संसद शुरू होने से पहले जो हुआ उसे भी देख लेते हैं। संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। इसमें कांग्रेस समेत 17 दलों के नेता शामिल हुए। इसमें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और केसीआर की बीआरएस ने भी शिरकत की। अब चलते हैं लोकसभा, जहां कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होती है और शुरू होते ही प्रश्नकाल में विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर हंगामा करने लगे। इसे देखते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिफर पड़े। आप एक बात बताइए, प्रश्नकाल आप सबका है, क्या प्रश्नकाल को नहीं चलाना चाहते आप? प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप रोज हंगामा करते हैं, आप जब प्रश्नकाल के बाद विषय उठाया करें ना, अच्छी परंपरा डाले। मैं आपके लिए कर रहा हूं ये सब कुछ कि प्रश्नकाल आपका समय रहता है, सरकार से पूछने का आपका अधिकार है, आप अधिकारों से खुद वंचित होना चाहते हैं। और तख्तियां लाना छोड़ दें, यहां पर पहले भी मैंने कहा था तख्तियां लाना छोड़ दें प्लीज। ओम बिरला के समझाने के बावजूद विपक्षी सांसद नहीं माने और कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी नेहरू और 1962 की लड़ाई को सदन में ले आए। कल से हम लोग ये मांग करके आ रहे हैं कि इंडो चाइना बॉर्डर में स्थिति क्या है, इस विषय पे थोड़ा सदन के अंदर चर्चा की जाए। सर मैं एक उदाहरण देते हैं, 1962 में जब चीन के साथ हमारी जंग हुई थी, सर एक भाई इसके खिलाफत नहीं, सर किसी के खिलाफत नहीं, सर 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने सदन में बैठते हुए 165 एमपी को बोलने का मौका दिया और सबको सारे बात ये कहने की मौका देने के बाद ये निर्णय लिया गया कि क्या करना चाहिए। सभा पटल, लेकिन सर सभा पटल सांसद सुरेश धनोकर ने रेलवे में कोविड से पहले रिजर्वेशन और अन्य सुविधाओं का मामला उठाया। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हर रेल यात्री को आज भी करीब 55% कंसेशन दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, करीब करीब हरेक पैसेंजर को, हरेक यात्री को करीब करीब 55% कंसेशन आज भी दिया जा रहा है। वो इस तरह से है कि रेलवे की अगर कॉस्ट यात्रियों को ले जाने में 1.16 रुपये आती है, रेलवे केवल चार्ज करता है 45 पैसे 48 पैसे के आसपास। पिछले साल टोटल सब्सिडी केवल यात्री सेवा पे करीब करीब 59,000 करोड़ पैसेंजर सब्सिडी पिछले साल दी गई थी। इसके अलावा भी और भी दूसरी यात्रियों के लिए कई नई तरह की सुविधाएँ आ रही हैं, कई नई तरह की फैसिलिटीज़ आ रही हैं, नए तरह के ट्रेन आ रही हैं। तो इसमें मेरा रिक्वेस्ट है माननीय सांसद महोदय से कि जो भी और भी कोई अगर निर्णय लिए जाने हैं तो लिए जाएंगे समय पे, लेकिन अभी रेलवे के जो कंडीशन है उस कंडीशन को भी सबको देखना चाहिए। भारत में स्टार्टअप को लेकर सवाल हुए तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत में अब 107 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो गए हैं। आपने जवाब में देखा होगा मनीष जी, कितने सारे काम हुए हैं 2016 के बाद।
हाँ ये बात सही है कि आप स्टार्टअप बोल रहे थे, वैसे आप कहना चाह रहे थे यूनिकॉर्न कि भारत में। हाँ तो आपके आपकी जानकारी के लिए अब 107 से अधिक यूनिकॉर्न हो गए, 85 आपका आंकड़ा बहुत पुराना है। लेकिन अगर यूएस में 704 है या चाइना में जो भी आपने आंकड़ा बताया उसके पीछे फिर आप थोड़ी गंभीरता से अपने अंतर्ग्रह में देखें तो आपको विचार करना पड़ेगा कि यूएसए ने कब शुरू किया था एक कार्यक्रम, और हमारी सरकारों ने जो इतने सालों से अलग अलग सरकारें चली है उन्होंने क्यों नहीं शुरू किया हमारे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना? क्यों ये काम भी आपने मोदी जी के लिए छोड़ के रखा था कि मोदी जी आएंगे फिर स्टार्टअप्स की दुनिया को प्रोत्साहन देंगे और फिर जाके एक इतनी तेज गति से स्टार्टअप्स देश में तैयार होंगे और देश में प्रगति करेंगे? इन्होंने कुछ नाम भी लिए, मैं भी लंबी सूची सुना सकता हूं कैसे हमारे एक एक स्टार्टअप, कोई उड़ीसा से आता है और एक स्टार्टअप शुरू करता है और आज विश्व प्रसिद्ध हो जाता है, डिजिटलाइजेशन में बड़ा नाम कमाता है, कोई केरल से आता है और एजुकेशन के क्षेत्र में नाम कमाता है, कोई यूपी से स्टार्टअप शुरू करता है। प्रश्नकाल खत्म होते होते सोनिया गांधी संग कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि शून्यकाल में भी कांग्रेसी सांसद तवांग मुद्दे पर अड़े रहे। सभापति महोदय, वर्ष 1950 से लेकर वर्ष 1967 तक जब जब चीन के साथ तनाव बढ़ा, इस सदन में भारत चीन रिश्तों को लेकर हर बार बहुत व्यापक बहस हुई। 1962 में जब चीन का युद्ध चल रहा था तो इसी सदन में 8 नवंबर 1962 से 15 नवंबर 1962 तक बहुत व्यापक बहस हुई। 165 सदस्यों ने उस बहस में भाग लिया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है सभापति महोदय कि सितंबर 2020 से लेकर यह छठा सत्र है संसद का और एक बार भी चीन के ऊपर और भारत चीन रिश्तों के ऊपर, जो हमारे सरहद पे ऊपर परिस्थिति है उसके ऊपर एक बारी भी चर्चा नहीं हुई। कोई सरकार के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता, परिस्थितियां संवेदनशील है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि परिस्थिति क्या है। दो बजे के बाद एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर की गई चर्चा के जवाब दे रही थी। इसी बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें टोकते हुए पूछा कि क्या नीरव मोदी आपके रिश्तेदार हैं? इस पर वित्त मंत्री ने जो कहा वो भी सुनिए। रिफॉर्म द बैंक इटसेल्फ सो दैट इट डजंट फंक्शन ऑन फोन बैंकिंग, यू नो कहीं से फोन आ गया मेरा दामाद को दो, मेरा भतीजा को दो, वो सब नहीं होने देना। वो रिफॉर्म वी हैव अंडरटेकन आफ्टर 2015। एज ए रिजल्ट इमीडिएटली आफ्टर अंडरटेकिंग द एसेट क्वालिटी रिव्यू इन 2015, नहीं आपके, इसीलिए उनके आपके कार्यकाल में वो पैसा दिया गया, हम उनको पकड़ करके पैसा वापस ले आ रहे हैं। रिश्तेदार आपका है, आपके रिश्तेदार है, आपके रिश्तेदार है, हमारा नहीं। आपने दिया उसको हमने वापस पकड़ कर कर ले आ रहे। सो AQR असेट क्वालिटी रिव्यू, सर असेट क्वालिटी रिव्यू 2015 में शुरू हुआ, उसके तुरंत बाद लगातार NPA का रिकग्निशन होते रहा। वित्त मंत्री ने आगे महुआ मोत्रा के पप्पू वाले बयान पर ही पलटवार किया। सीतारमण ने कहा कि अगर महुआ मोत्रा बंगाल को देखेंगी तो उन्हें कहीं और पप्पू ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनरेबल मेंबर महुआ मोत्रा सेड अबाउट वेयर वन शुड फाइंड पप्पू, हु इज द पप्पू, वेयर्स द पप्पू एंड सो ऑन। एक्चुअली ईदर वेस्ट बंगाल इन द सॉरी सो ऑल द फंडामेंटल macroeconomic fundamentals being questioned. There was this question of where is the Pappu, who is the Pappu, who is the Pappu. Actually, if only honorable member looks back into her own backyard, she'll find Pappu in West Bengal. So there's no doubt
where there are wonderful schemes which can benefit common people, West Bengal sits over it, doesn't distribute it. You don't need to search anywhere else for Pappu. But even worse is this point. Matches kiske haath mein hai? This is really, I don't want to elaborate too much on it because it probably just wanted to spice the questions and the issues she raised, about which I think in different ways I've tried answering. But it's a matter of concern, sir, because kisne diya matches is not the issue, because democracy, people elect the leader and give it to the concerned. We don't need to undermine the people by saying kisne diya inke haath mein, janta ne diya matches. But किसके हाथ में मैचेस कैसे उपयोग में आता है वही है इंपॉर्टेंट. मैचेस किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया. रिसेंटली यू हैड, एटलीस्ट बीजेपी हैड अ फैंटास्टिक विक्ट्री इन गुजरात पोस्ट इलेक्शन सर. व्हाट वाज द एनवायरनमेंट देयर? पीसफुली द न्यू गवर्नमेंट केम टू पावर, वाज स्वोन इन. Whereas compare it with what happened in West Bengal post state government election. Marches kiske haath mein, kaise upyog mein aaya? Kaise upyog mein aaya? Wo hai prashna. Prashna wo hai. Pure Bengal ko dila diya inhone. Marches kiske haath mein? हमारे हाथ में जब माचिस थी, हमने उज्ज्वला दिया, हमने उजाला दिया, हमने पीएम किसान दिया, हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाए. जब आपके हाथ में आया माचिस, आर्सन हुआ, लूटिंग हुआ, रेप हुआ, हमारे कार्यकर्ता के घर जला दिया, और ऊपर से एक केंद्र मंत्री एमओएस मुरलीधरन, उनके गाड़ी के ऊपर इतना अटैक हुआ, सेंट्रल मंत्री तक सेफ नहीं था पोस्ट इलेक्शन. सो मैचेस, जेपी नड्डा जी की गाड़ी तो कैंपेन के दौरान, मुरली जी की गाड़ी, एमओएस के गाड़ी पोस्ट इलेक्शन. सो मैचेस किसके हाथ में कैसे काम आया वो हम समझना चाहिए सर. ऐसे नहीं है बात. और अपने बयान के आखिर में निर्मला सीतारमण ने अधीर रंजन चौधरी की महंगाई और चीन के व्यापार वाले सवाल पर भी जवाब दिया. हम्बली वॉन्ट टू से सर, स्टैगफ्लेशन होता है जब इकोनॉमी में स्लो डाउन है और हाई इन्फ्लेशन भी है, वो है स्टैगफ्लेशन. भारत में आज डेटा आया, कल भी डेटा आया, मैंने बोल रही हूं सीपीआई 5.88 के नीचे आ गया है, डब्ल्यूपीआई तो 21 मंथ्स में सबसे कम में आ गया है. सो इन्फ्लेशन हाई नहीं है, वो एक बात है. सेकंड, स्लो डाउन नहीं है भैया, पूरे हमारे देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है सर. कैसे स्लो डाउन? सो स्टैगफ्लेशन के बाद जो अधीर जी उठाया वो बिल्कुल सही नहीं है. Higher, fastest growing, no inflation. I mean lower inflation within the forbearance limit inflation. So ये एक स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ. लास्ट में सर, रेपो रेट, उसके बारे में बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं. रेपो रेट हैज बीन वेरी वेरी हाई हिस्टोरिकली आई ड्यूरिंग यूपीए 1 एंड यूपीए 2. ये हम रिकॉग्नाइज, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरा जमाना के बात ही कर रही हूँ, सुन लो, सुनिए सर. हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं. आपके आप सर आदिर जी एक मिनट पहले हमसे ये बात बोले कि आप सीख लेना चाहिए, उनसे मैं सीख रही हूँ सर. और उनके रिपो रेट 8% था ड्यूरिंग 2014, अभी 6.25% है सर रिपो रेट. तब तो 8% था, अभी 6.25 है. 28% higher rates were there during UPA. Dusra, home loan rates were 10% today, whereas it was unke samay par. Today it is only 8.40. Repo rate ke upar chinta na kare Adir ji. Aapke sare member chinta kar rahe hain. Nahi nahi, uska jawab main de chuka hoon. Sir,
चिंता करते हैं। आप किसी बाहर वाले को बेकार छोटे मध्यम उद्योगपति का पूछ लीजिए, छोटे छोटे बैंक से जो लोन लेके काम करता है पूछ लीजिए, कोई सरकार तैयारी कर गया है जिन्होंने मकान बनाया बैंक से उधार करके पूछ लीजिए। ठीक है सर, लास्ट वन लाइन सर, चाइना के साथ हमारे ट्रेड डेफिसिट के ऊपर बहुत सारे लोग चिंता जताए, उसमें मैं बात बोलना चाहिए। ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 2004-05 में 1.48 बिलियन ही था, और वो 2013-14 के अंदर 36.21 बिलियन यूएस डॉलर्स हुआ, विच इज 2000% से ज्यादा इंक्रीज हुआ तक। मगर अब ट्रेड डेफिसिट विद चाइना हैज ओनली इंक्रीज्ड बाय अबाउट 100% विच इज 73.31 बिलियन इन 21-22। इसीलिए ट्रेड डेफिसिट चाइना के खिलाफ का वाले बात भी मैं डेटा के साथ आपके सामने ही रखना चाह रही हूं, मुझे जवाब देने के लिए मौका दिया, धन्यवाद। बाद में लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाला विवरण और साल 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान वाली मांगों पर वोटिंग हुई। इसी बीच कांग्रेस सांसद जसबीर गिल ने फोन के डेटा को भूतों द्वारा यूज करने की बात कही, तो सुनिए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। BSNL देश के लिए जरूरी है, हमारे मैं क्या मंत्री जी बताएंगे जो जियो और एयरटेल लोगों की लूट कर रहे हैं उसका क्या समाधान है। रात को फोन बंद करके सोते, सुबह ऑन करते हो, जियो और BSNL का मैसेज आ जाता है कि आपका डाटा खत्म हो गया। सर क्या रात को भूत उसे यूज करते हैं? कृपा करके इस पे लगाम लगाई जाए और लोगों की लूट से बचाया जाए, धन्यवाद। अब माननीय अध्यक्ष जी, जब आप लोग सरकार में थे, यूपीए की सरकार थी, तब डेटा की क्या वैल्यू थी, डेटा की क्या कॉस्ट थी सर? आप जो भूतों की बात कर रहे हैं माननीय सांसद महोदय, वो भूत 200 रुपए पर जीबी लेते थे, आज 20 रुपए से कम है पर जीबी। आज दुनिया के सबसे अफोर्डेबल टेलीकॉम इंडिया, सबसे अफोर्डेबल टेलीकॉम सेक्टर्स में से हिंदुस्तान का नाम आता है सर, सबसे अफोर्डेबल हिंदुस्तान का नाम आता है। अब बढ़ते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा की कार्यवाही भी लोकसभा की तरह सुबह 11 बजे शुरू हुई। राज्यसभा में सबसे पहले दो पूर्व दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ समय का मौन रखा गया। इसके बाद राज्यसभा का शून्यकाल शुरू हुआ। शून्यकाल के शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने तवांग का मुद्दा उठाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर उपसभापति हरिवंश ने कहा कि अब इस पर फिलहाल बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रक्षा मंत्री इस पर सदन में बयान दे चुके हैं। अब बारी थी यूपी से बीजेपी सांसद ब्रजलाल की। ब्रजलाल ने सदन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का मुद्दा उठाया। उपसभापति महोदय, मैं आज संसद के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं, और वह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आज तक दलितों, पिछड़ों और जो 10% गरीब सवर्ण है उनको आरक्षण नहीं दिया है। महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना 1920 को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित एक्ट के तहत किया गया था। उसके पहले 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक्ट पारित किया गया था, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आरक्षण जो संविधान में निहित है वो दिया जा रहा है। महोदय, दोनों एक्ट एक है, केवल हिंदू और मुस्लिम शब्द को छोड़ करके बाकी एक्ट एक है, बीएचयू द्वारा दिया जा रहा है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा है। महोदय, आपका ध्यान मैं संसद में 1951 में बहस हुई थी पृष्ठ नंबर 3429, इससे स्पष्ट है, और सेक्शन 8 जो एमयू एक्ट है उसके अनुसार धर्म, भाषा, लिंग, प्लेस किसी जगह पर आप विभेद नहीं कर सकते। मैं इस संबंध में मोहम्मद करीम छागला, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे 2 सितंबर 1965 को, उन्होंने संसद में कहा था कि मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है, या तो ना मुसलमानों द्वारा बनाया गया है और ना ही प्रशासन उसके द्वारा किया जा रहा है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जमीन महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दी गई। महोदय, इसके लिए हिंदू राजाओं महाराजाओं और नवाबों ने भी इसके लिए योगदान किया था। महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और वह 20 अक्टूबर 1967 को सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद बासा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आर्टिकल 31 के अंतर्गत अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए इसमें आरक्षण सबको दिया जाना चाहिए। इस दौरान विपक्ष ने अपनी तमाम मामले पर स्पष्टीकरण की मांग जारी रखी। जब बार बार समझाने पर बात नहीं बनी तो उपसभापति हरिवंश ने शून्यकाल को बीच में रोकते हुए विपक्षी सांसदों को नसीहत दे डाली। माननीय सदस्यगण, कल माननीय एलओपी साहब बोलना चाहते थे अपनी नोटिस के बारे में, पूरी मैंने इजाजत दी। एक मिनट प्लीज, पूरी हमने इजाजत दी जबकि नोटिस ऑलरेडी थी। सिर्फ ये कहा जा सकता था चेयर से कि नोटिस ऑलरेडी है, लेकिन मैंने पूरी पढ़ने की इजाजत दी। उसके बाद जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहते थे मैंने इजाजत दी। सरकार की बात आई, प्लीज प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर या उस वक्त प्लीज नो। अब एक मिनट, लिस्टेड लिस्ट प्लीज प्लीज नो प्लीज। मैंने माननीय डिफेंस मिनिस्टर के क्वेरी पर अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसकी स्थिति मैंने स्पष्ट कर दी है अलग से। शुरू की बात मैंने स्पष्ट कर दी कि शुरू में एलओपी साहब ने जो बात अपनी रखी थी वो मैंने आपके सबके सामने उनसे निवेदन किया था, उन्होंने अपने नोटिस को पढ़ा था। प्लीज प्लीज, आज जो चीजें लिस्टेड है उसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं कर सकता और कोई नोटिस आज नहीं है, प्लीज। इसके बाद एनसीपी के सांसद डॉक्टर फौजिया खान को शून्यकाल में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने भी तवांग के मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने बीच में ही उन्हें रोक दिया और इसके कुछ मिनट बाद ही विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में आज लंबी चर्चा के बाद संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन बिल 2022 पास हो गया है। मोशन मूव दैट द बिल एज अमेंडेड बी पास्ड। द क्वेश्चन इज दैट द बिल एज अमेंडेड बी पास्ड। दोज इन फेवर विल प्लीज से आई, दोज अगेंस्ट विल प्लीज से नो। आई थिंक द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द आईज हैव इट। द बिल एज अमेंडेड इज पास्ड। बिल पर चर्चा के दौरान जब जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा बोल रहे थे तो एक पल ऐसा भी आया जब क्या विपक्ष और क्या सत्ता पक्ष सारे सांसद ठहाके लगाकर हंसने लगे। चाहे ले लद्दाख का उन पहाड़ी उन बर्फीली चोटियों को देखिए, चाहे अरुणाचल के उन सीमाओं को देखिए जहां पर हमेशा आपको दिखाई देगा कि आदिवासी खड़ा है। आपके पीछे भी आदिवासी खड़ा है, अपने मिट्टी अपने वतन अपने। प्लीज 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 माननीय ऑनरेबल मेंबर प्लीज। इसके बाद राज्यसभा में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन बिल पेश किया। इससे पहले यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है। बिल का उद्देश्य नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक के नाम बदलकर इसे भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र करना है। राज्यसभा में लिखित में दो महत्वपूर्ण सवालों पर भी जवाब दिए गए। पहला सवाल देश में ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर था और दूसरा सवाल 2020 से लेकर 2022 तक कश्मीर में हुए आतंकी हमलों में कितने लोगों की मौत हुई। इन पर केंद्र सरकार ने कहा कि ड्रग्स लेने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, हालांकि वृद्धि को दिखाने के लिए कोई डेटा या स्टडी उपलब्ध नहीं है। आगे सरकार ने कहा कि कश्मीर में बीते 3 सालों में 9 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है। तो ये थी आज की संसद की एकदम हंगामे से भरी कार्यवाही। आगे जो होता है वो भी आपको हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे संसद में आज के अगले एपिसोड में। बाकी ये शो लिखा हमारे साथी अंशुल ने। शो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। शुक्रिया।